हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये जो बॉडी वाइज का स्नेल म्यूसिन है, इसने मेरी स्किन पे कैसे काम किया। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने इसकी फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सबके बारे में बताया था, डिटेल वीडियो बनाया था, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर ये होता क्या है। तो ये स्नेल म्यूसिन तब मैंने लगाना शुरू किया था कुछ दिन पहले, और अब इसको लगाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए हैं। तो अब शायद सही टाइम है कि मैं बता सकती हूँ कि ये कैसे काम करता है, इसने मेरी स्किन पे कैसे काम किया। ये 96% प्योर स्नेल म्यूसिन है, जो कि सोर्स किया गया है स्नेल से, उनको बिना हार्म पहुंचाए, और ये काफी सारे स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है। एजिंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करने, जैसे फाइन लाइन रिंकल जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पिगमेंटेशन हुआ, डार्क स्पॉट्स हैं, स्कार्स हैं, उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। हाइड्रेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। अच्छी बात यह है कि ये पैराबेन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, और फ्रेग्रेंस वगैरह इसमें कुछ भी यूज नहीं की गई है। सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल से। जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के 5-6 दिन मैंने इसको नाइट में यूज किया, ओवरनाइट यूज करती थी, तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। और बस ये डिफरेंस नजर आ रहा था कि मॉर्निंग में ना स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लगती थी। एक हाइड्रेटेड स्किन जो अलग दिखती है ना, थोड़ी सी प्लम ग्लोइंग लगती है, वैसी ही दिख रही थी। इसके अलावा कुछ काम नहीं कर रहा था। जो कि कोई भी आप मॉइस्चराइजर नाइट में अगर अच्छा लगाते हो, जो अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करे, उससे स्किन सुबह अच्छी लगती है, तो ये उतना ही काम कर रहा था। फिर मैंने इसको 5-6 दिन बाद दोनों टाइम यूज करना शुरू किया, क्योंकि इसमें मेंशन है कि आप इसको दोनों टाइम यूज करें। तो मैंने फिर मॉर्निंग में भी इसको यूज किया, नाइट में भी यूज किया। फिर जब 15-16 दिन हो गए ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दो स्कार्स थे वो थोड़े से लाइट हो गए हैं, और थोड़ा पिगमेंटेशन भी मुझे हो गया था, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। तब मुझे लगा कि यार ये मेरे स्किन पे काम कर रहा है, क्योंकि जब मैं इसको यूज कर रही थी ना, कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह, अलग से सीरम वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रही थी। तो ये ऐसा सीरम है जो आपको ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट दे, कोई मैजिक करे, ये वो तो नहीं करेगा, पर हाँ 15-20 दिन में आपको आपकी स्किन पे डिफरेंस जरूर नजर आएगा। जैसे कॉसारेक्स का जो स्नेल म्यूसिन आता है, उसके जब मैंने रिव्यूज पढ़े थे, तो कुछ लोगों ने कहा था कि यार 2-3 दिन में ही स्किन पे डिफरेंस नजर आने लगा, पर इसको लगाने के बाद मुझे 2-3 दिन में तो डिफरेंस नजर नहीं आया, पर हाँ 10-12-15 दिनों में आपको डिफरेंस नजर आने लगेगा। आपकी स्किन ब्राइट लगेगी, थोड़ी सी ग्लो लगेगा आपकी स्किन पे, पिगमेंटेशन थोड़ा कम होता नजर आएगा, और जो स्कार्स हैं वो सच में थोड़े से लाइट होते नजर आएंगे। स्किन हेल्दी लगेगी इसको यूज करने के बाद, रिजल्ट्स मिलते हैं, काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ, ऐसा मुझे कोई भी दाने वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है इसको यूज करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि यार ये सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए भी है। अच्छी बात यह है, फ्रेग्रेंस नहीं है, कलर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया गया है, जिससे सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज कर सकते हैं। और 15-20 दिनों तक जब आप इसको रेगुलर यूज करोगे ना, तो आपको पक्का डिफरेंस नजर आएंगे। तो अभी मैं इसको और लंबा यूज करने वाली हूँ, मतलब पूरी बॉटल फिनिश करने वाली हूँ, तब एक बार फिर आपके साथ इसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। पर अभी तक ये मुझे सच में काफी अच्छा लगा, रिजल्ट्स देता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देता है, पर हाँ आप इसको कुछ दिनों तक यूज करोगे, मतलब जब आप 10 दिन तक इसको यूज करोगे ना, फिर आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब मेरी स्किन पे ऐसा ही हुआ। हो सकता है आपकी स्किन पे जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए, या हो सकता है और लेट रिजल्ट्स मिले। तो मैं बताती हूँ कि ये स्नेल म्यूसिन को मैं कैसे यूज कर रही थी। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ इस क्लेंजर से। ये है मिनिमलिस्ट का अल्फा लियोपिक ग्लाइकोलिक क्लेंजर, मुझे काफी अच्छा लगता है, मेरी स्किन पे काफी अच्छे से काम करता है। इसके रिव्यूज अच्छे कहीं नहीं है, मतलब कई नेगेटिव रिव्यूज भी मैंने इसके देखे, पर मेरी स्किन पे काफी अच्छे से काम करता है, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ और मुझे तो ये अच्छा लगा। तो इसको यूज करने के बाद स्नेल म्यूसिन के 2 पंप लेके अपने फेस पे लगा लेती हूँ, अच्छे से मसाज करते हुए इसको लगा लेती हूँ। और ये लगाने के 20-30 सेकेंड बाद मैं ये इमोलिन क्रीम प्रोपिलीन ग्लाइकोल मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। इसके बारे में भी कई बार मैं बता चुकी हूँ, ये मेरी स्किन पे कमाल का काम करता है, अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता, ऑयली नहीं बनाता मेरी स्किन को, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके।
तो ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दिन में मैं मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ये मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन स्टिक यूज करती हूँ, कई बार क्रीम भी यूज कर लेती हूँ पर कई बार ये यूज करती हूँ। इसका एप्लीकेशन मुझे बहुत ज्यादा इजी लगता है तो ज्यादातर आलस में इसको यूज कर लेती हूँ, और नाइट में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है तो बाकी ये तीनों चीजें मैं लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इस स्नेल म्यूसिन को यूज कर रही हूँ और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये मत सोचना कि आज लगाया कल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, पर रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आपकी कोई भी स्किन टाइप है आप बिल्कुल इसको यूज करके देख सकते हैं। ये स्पेशली इंडियन स्किन टाइप के लिए है तो बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं, स्टिकी नहीं है, ऑयली नहीं है। तो मुझे तो अच्छा लगा, बिल्कुल आप इसको एवरीडे यूज करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कॉसारेक्स का जो स्नेल म्यूसिन है उसके रिव्यूज पढ़े थे, काफी अच्छे रिव्यूज हैं उसके, पर वो मैंने यूज नहीं किया तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। पर ये एक तो प्राइस वाइज काफी सही है, मीन अफोर्डेबल ही है, ये 899 का है, इस पर डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और काम भी अच्छा करता है। तो बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, और एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। अगर आप ये स्नेल म्यूसिन ट्राई करने का सोच रहे हो तो मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं कॉसारेक्स का भी ट्राई करके देखूंगी और फिर दोनों का कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, परचेजिंग लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।